नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेख आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में राहुल की रणनीति से मुश्किल में आई बीजेपी की जातीय जनगणना पर खड़गे के सवालों की बात करेंगे गोधरा मामले में आरोपियों को मिली जमानत की ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की साथ ही जानेंगे कैसे एक और राज्य में जाने वाली है बीजेपी की सरकार और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मुश्किलों में फंसे अडानी ग्रुप की और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस में मेंटेनेंस के कामों के लिए मिले फंड में 350 करोड़ का घोटाला पीएम मोदी से पूछा सवाल क्या प्रधानमंत्री जी इसकी जांच होगी राजस्थान के एक लाख कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ राज्य के बजट में की गई घोषणा के दौरान वित्त विभाग ने जारी किया आदेश टाटा से लेकर अडानी तक कई बड़े बिजनेसमैन के गायब हुए ब्लूटेक ट्विटर ने किया नया बदलाव ब्लूटेक के लिए अब करना होगा भुगतान शेयर बाजार में रहा उतार चढ़ाव सेंसेक्स तेईस अंकों की तेजी के साथ उनसठ अंक पर हुआ बंद निफ्टी कल के ही स्तर सत्रह अंक पर हुआ बंद ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर्नाटक की सियासी लड़ाई में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं बीजेपी ने सत्ता बचाने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया बीजेपी की ओर से अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं तो वही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी मैदान में है रविवार से कर्नाटक में राहुल डेरा डालने वाले हैं क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट कर्नाटक की सियासी तपिश ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दों को उठा रही है तो वहीं अब राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए खास प्लान बनाया है राहुल गांधी ने बीजेपी को मात देने के लिए अब राज्य में ही डेरा डालने का मन बना लिया है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियों का सामना करने के लिए राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभाओं की संख्या में इजाफा कर दिया है अब राहुल गांधी एक दो नहीं बल्कि दस दिनों के अंदर तेरह बड़ी रैलियां करने वाले हैं। तेईस अप्रैल यानी रविवार को राहुल गांधी कर्नाटक के बीजापुर में बड़ी जनसभा करने वाले हैं जहां एक बार फिर उनके निशाने पर बीजेपी होगी अपने पिछले कर्नाटक दौरे में राहुल गांधी ने तीन जनसभाओं को संबोधित किया था जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 150 सीटों पर पार्टी की जीत का आह्वान किया था अमित शाह आज दो दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंच चुके हैं अमित शाह का देवन में रोड शो और रैली थी लेकिन खराब मौसम के चलते उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया आपको बता दें कि कर्नाटक में पीएम मोदी 20 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा है कि पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम को तैयार कर लिया गया है पीएम मोदी ज्यादातर जगहों पर रैली सभा और कुछ जगहों पर रोड शो करेंगे तो वहीं राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में डेरा डालने का मन बना लिया है आपको बता दें की राज्य की दो सीटों के लिए दस मई को मतदान है तो वही नतीजे तेरह मई को घोषित होंगे राहुल की रणनीति से बीजेपी चिंता में है चिंता तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ओबीसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए जातीय जनगणना की वकालत की है साथ ही ये भी कहा है कि सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब जातीय जनगणना के सही आंकड़े मौजूद होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भारत विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है आबादी में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है लेकिन सरकार के पास जनगणना के आंकड़े नहीं है जनगणना का काम दो में होना था लेकिन शायद दो तक ये टल गया है ऐसा क्यों इसे लेकर खड़गे ने ट्वीट किया जनगणना के आंकड़ों के बिना सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद मुश्किल है जातिगत जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय के लिए बेहद जरूरी है आम सेंसेस में एस सी वर्ग की जनसंख्या का तो पता चलता है पर ओ वर्ग का पता नहीं चलता जिससे उनके आरक्षण का सही अनुपात तय नहीं हो पाया है खड़गे ने कहा की दो के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद स्थानीय निकायों में आरक्षण विभिन्न जातियों की आबादी के अनुसार ही तय होना है बीजेपी को अगर सही में ओबीसी वर्ग की फिक्र है तो टले हुए दो 2021 में ही जातिगत जनगणना कराएं और ओबीसी को अनुपात के हिसाब से आरक्षण मुहैया कराएं। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना से क्यों डरती है साल 2011 से 12 में जो जातिगत जनगणना हुई खाद्य सुरक्षा कानून जैसी कल्याणकारी का योजना उसी आधार पर संभव हो सकी मोदी सरकार ने 2015 में अरविंद पड़गरिया कमेटी बनाकर जातियों का वर्गीय का कार्य शुरू कराया ये क्यों किया? उसकी रिपोर्ट कहाँ है साफ है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे के सहारे बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है क्योंकि जाति जनगणना का सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को मिलना है कर्नाटक चुनाव के बीच खड़गे ने अपनी सियासी दाव से बीजेपी के ओबीसी मुद्दे की हवा निकाल दी है यानी कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी को कोई राहत देने के मूड में नहीं है इधर गोधरा मामले के आरोपियों को भी आज बड़ी राहत मिली है इक्कीस साल पहले गुजरात गोधरा मामले के बाद हुए टकराव से जुड़े एक मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत का फैसला आया था जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था और आज गोधरा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने यहां भी राहत भरा फैसला दिया है तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं ये रिपोर्ट 2002 में गोधरा मामले में उनसठ लोगों की जान चली गई थी गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था निचली अदालत ने इस मामले में 27 लोगों को सख्त सजा सुनाई है 17 साल से अधिक समय से ये लोग जेल में बंद हैं और अब उनकी जमानत को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच याचिका पर सुनवाई करते आजीवन कारावास की सजा पाए हुए आठ लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया है जिन लोगों को जमानत मिली है अब्दुल सत्तार गद्दी यूनुस अब्दुल हक मोहम्मद हनीफ अब्दुल रहूफ इब्राहिम अब्दुल रजाक अब्दुल गनी शोहेब और सुलेमान अहमद शामिल हैं। लेकिन जिन चार लोगों को रिहा करने से कोर्ट ने आज मना कर दिया है उनमें अनवर मोहम्मद शौकत अब्दुल्ला महबूब याकूब मीठा और सिद्दीकी मोहम्मद मोरा का नाम है जिन्हें रिहा करने का फैसला किया गया है वो जेल में सत्रह ऐसी बीस साल रह चुके हैं कोर्ट ने कहा की बेल की शर्तें पूरी कर बाकी लोगों को जमानत पर रिहा किया जाएगा दो के वकील संजय हेगड़े ने ईद के मद्देनजर इनको जमानत पर रिहा करने की अपील की है जबकि गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया है गोधरा पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों ने राहत की सांस ली है तो वही ज्ञान मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई और जिला प्रशासन को मुस्लिम पक्ष की समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दिया तो क्या है पूरा मामला देखते हैं इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में निकले कथित शिवलिंग के चलते मस्जिद के उस हिस्से को सील कर दिया गया था जहां मुस्लिम पक्ष के लोग वजू करते थे वजू वाला हिस्सा सील होने के बाद से ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस समय रमजान के महीने में वजू को लेकर परेशानी ज्यादा बढ़ गई है जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वजू की जगह को लेकर यूपी सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ज्ञान परिसर में छह टब उपलब्ध करने के आदेश दिए है इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट पानी की व्यवस्था करने के लिए निगरानी करेंगे यह व्यवस्था अभी सिर्फ ईद तक करने के लिए कहा गया है इससे पहले यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वजू के लिए छह टब दिए जाएंगे मस्जिद में जिस जगह शिवलिंग जैसी संरचना है वहाँ ऐसी करीब सत्तर मीटर की दूरी बाहर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सत्तर मीटर दूर मोबाइल टॉयलेट बनाने को लेकर विरोध जताया है बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ में याचिका दायर की थी जिसमें लेकर उनकी ओर से कहा गया था कि वजू के लिए पानी का इस्तेमाल ड्रम से किया जा रहा है रमजान के मद्देनजर नवाजियों की संख्या बढ़ गई है इसीलिए वजू स्थल और टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाए ज्ञान मामले में मुस्लिम पक्ष को सिर्फ अभी फौरी राहत दी गयी है तो वही मणिपुर में बीजेपी को राहत मिलती नहीं दिख रही है मणिपुर में बीजेपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब मणिपुर की सत्ता मुश्किल में दिख रही है इससे पहले भी कई बार बीजेपी के विधायकों ने सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब एक बार फिर से बीजेपी में बड़ी बगावत होती दिखाई दे रही है क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट मणिपुर की बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है पार्टी के ही विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं तो कई इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं दो विधायक तो प्रशासनिक पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब पी ब्रजेंद्र सिंह ने मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है वो वांगजिंग से विधायक हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को विधायक थोक चौम राधेश्याम सिंह ने मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया और उसके चार दिन बाद करम शाम ने भी मणिपुर पर्यटन निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया विधायकों की शिकायत मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को लेकर है उनके कामकाज पर विधायकों ने सवाल उठाए हैं नाराज विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं मणिपुर बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा से उनकी मुलाकात हो चुकी है लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है इस्तीफा देने वाले तीनों विधायक भी इस समय दिल्ली में ही है विधायकों की बगावत की खबर सुनकर बीजेपी हैरान है सुला की कोशिश तेज हो गई है राज्य इकाई ने हाई लेवल बैठक बुलाई है विधायकों को मनाया जा रहा है मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है सीएम बीरेन्द्र सिंह से पार्टी के कई विधायक नाराज हैं। पहले कार्यकाल में भी उनके कैबिनेट सहयोगियों ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे और सीएम की जमकर आलोचना की थी साल 2020 में भी बीरेन ने अपने उप मुख्यमंत्री वाई जय कुमार सिंह से सभी विभागों को वापस ले लिया था बीजेपी की सहयोगी एनपीपी ने समर्थन वापसी की चेतावनी तक दे दी थी लेकिन बाद में हाईकमान ने अंतिम समय में हस्तक्षेप कर सरकार बचा ली थी लेकिन अब एक बार फिर मणिपुर बीजेपी के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं मणिपुर के सियासी संकट में बीजेपी उभरती है या डूबती है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा तो वहीं मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान मचा है मध्य प्रदेश में महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं मुकाबला कांटे का माना जा रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा है कि इस बार कांग्रेस को 116 से ज्यादा सीटें मिलेंगी बहुमत का आंकड़ा भी 116 का ही है इस बीच दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा तंज कसा है क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने देखते हैं ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश में तीन साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई थी और शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी इसके बाद से ही कांग्रेस लगातार सिंधिया को घेरने में जुटी हुई है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने, ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए राजा महाराजाओं को खरीदा था जबकि अनुसूचित जाति के गरीब विधायक नहीं खरीद सके उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि है महाकाल कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा न हो जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया उस समय राजा महाराजा बीजेपी के हाथों तो बिक गए लेकिन गरीब दलित आदिवासी कांग्रेस के साथ रहा इससे पहले भी दिग्विजय सिंह सिंधिया आरोप तीखे तंज कसते रहे हैं वैसे सिंधिया ने भी इस बार दिग्विजय को जवाब दिया है सिंधिया ने ट्वीट किया है हे प्रभु महाकाल कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो दिग्विजय और सिंधिया के बीच शुरू हुआ यह टकराव चुनाव आते आते और तेज होगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किल में फंसे अडानी ग्रुप की कारोबारी गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दावों से अडानी ग्रुप अब भी जूझ रहा है तो वहीं देश की सियासत में भी अडानी मुद्दा छाया हुआ है इस बीच इंडियन मनी मैनेजर्स की बेरुखी भी अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ा रही है क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तब से अडानी ग्रुप को झटके पर झटके लग रहे हैं पहले कंपनी के शेयर डूबते चले गए और अब निवेशकों का भरोसा भी उठने लगा है इंडियन मनी मैनेजर ने अपनी बेरुखी इस कदर दिखाई कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को कम करने लगा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के एंड में ग्रुप में लोकल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का निवेश इंडस्ट्री के एक बिलियन डॉलर की संपत्ति का केवल शून्य दशमलव नौ फीसदी था जो 31 दिसंबर तक लगभग दो फीसदी से नीचे है लोकल मैनेजर की ओर से जहां लगातार सावधानी बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी ओर जीक्यू पार्टनर्स के स्टार इन्वर्टर राजीव जैन ने अडानी ग्रुप पर भरोसा दिखाते हुए मार्च की शुरुआत में अडानी ग्रुप की चार कंपनियों में पंद्रह हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जिसके बाद ग्रुप के शेयरों में इजाफा देखने को मिला अडानी ग्रुप के मार्केट कैंप में तीस बिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिल चुका है हालांकि भारतीय फंडों का ओवरऑल एक्सपोजर गिरा है इस गिरावट के बाद अडानी ग्रुप अलर्ट हो गया है गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स की एक बड़ी बैठक होने जा रही है इसमें बाजार की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष में डेट सिक्योरिटीज के डॉलर या रुपए में आंशिक बाई बैक को लेकर चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है आपको बता दें कि इस साल के शुरुआती महीने जनवरी में अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फॉर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से अडानी स्टॉक्स को अब बुरा हाल है और इसका असर करीब ढाई महीने बाद भी लगातार जारी है अब देखना होगा की कंपनी इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाई गी तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही देखते रहिए डीबी लाइव नमस्कार